आवाज आ चुका, अभी फास्टैग का जादू होगा हमारा। वन कुल्ली मार ला। ओ हो 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 कैशलेस ट्रांजैक्शन गाइस, कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैशलेस। हाँ भाई कैशलेस। फुल चश्मे उसमें पहन के बैठा हमारा ड्राइवर गाड़ी में भी। बोल दो ड्राइवर भाई। गाइस अभी हम लोग चाय पीने रुके होटल सहयोग पे, पता नहीं अहमदाबाद से कितने किलोमीटर दूर है। ओ गिर गई गाइस। चाय पे चर्चा विद मंदारन वंदन। तो गाइस मैं इसको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, ये भी हमारे साथ आया है। ये भी हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था बचपन में, जब हम लोग इतने थे, इतने इतने, अभी इतना हो गया। ये सब लोग हो और ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, जैसे बात बदलती है सब कुछ बदल। हम लोग फाइनली पहुंच गए अहमदाबाद, और जहाँ पे हमको जाना था भिखू भाई चैम्बर पालेडी में बायोमेट्रिक्स का सेंटर है, वहाँ हम लोग पहुंच गए। और ये वाली जो क्लिप है मैं इससे इसके फोन से शूट कर रहा हूँ, जस्ट टू चेक कैमरा, क्योंकि हमारा फोन तो है ही बेकार। हाँ आगे वाला कैमरा बेकार है। तो अभी हम लोग, अरे भाई भाई भाई, तो अभी हम लोग ने वंदन को अलविदा बोल दिया और अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठने। तो इस बार जैसे हम लोग पहली बार मेडिकल के लिए आए थे तो वो डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स करवा के नहीं आया था, तो वो मैंने उसको बहुत डांटा था, अगर आज वो नहीं करवा के आता तो मेरा साथ ये भी देता, हम दोनों मिलकर उसको पीटते आज। तो लकीली उसने, हाँ बहुत पीटते, तो वो आज बच गया, वो जेरोक्स करवा के आया आज। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में, उसका वेट करेंगे, आधा घंटा लगेगा उसको आने में। फिर आगे आज जाएंगे साबरमती रिवर फ्रंट, क्योंकि पिछली बार हम लोग जाने वाले थे बट लेट हो गया था, मैं और वंदन तो जा नहीं पाए, बट इस बार हम लोग जाएंगे हम तीन जन, और फुल मजे और फोटो वोटो खींचेंगे इंस्टाग्राम के लिए, और ये वाला व्लॉग भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे पिछली बार की तरह। फॉलो कर देना। हाँ इसको भी, मेरे को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वंदन के बायोमेट्रिक्स होने के बाद हम लोग फाइनली आज आ गए साबरमती रिवर फ्रंट, द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन अहमदाबाद। तो अभी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। पर वंदन आए थे मेडिकल के लिए तो हम लोग इधर आ नहीं पाए थे, क्योंकि कहीं और जगह गए थे तो लेट हो गया था, बट आज हम लोग, हमारे पास बहुत टाइम है, फुल यहाँ पे मजे करेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, और ये फोटो खींचेंगे सब लोग, स्टोरी रखेंगे, पोस्ट रखेंगे, लेकिन मैं नहीं रखूंगा क्योंकि इसके इसका इसका ड्रेसिंग देखो, ड्रेसिंग देखो। ये देखो गाइस, लाइट पैंट और लाइट शर्ट। तो फाइनली वी आर एट साबरमती रिवर फ्रंट, और ये कचरा आप देख सकते हैं, ये तो होता ही है यूजुअली हर जगह, कोई बड़ी बात नहीं है। अलग उड़ी क्यों, और यहाँ पे फोटोग्राफी चालू होते हुए। वंदन आपने ये बाजू जाइए, ब्रिज आवे छे बच्चे, ब्रिज आवे छे लो बच्चे, अरे डूबा ब्रिज आवे काका फोटो। Vanda, you are not looking that cool, so don't pretend. I'm not looking cool, I'm doing shit. Super hai tum, bas aao jo ho raha hai. Ye jo na? That's what you do in your daily life. Ye jo kaka. Abhi aaye tu photo bada. Idhar mocking mania nahi chal raha hai. इधर फोटो कितने का, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा इधर। स्नैप रखने दे, चल स्नैप वाली, स्नैप में जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। गूगल्स मेरे को देना भाई, ना इंसाफ हो रही है गाइस मेरे साथ, ये मेरे को चश्मे नहीं दे रहे ये लोग।
और ये देखो यहाँ ये वाला जो पुल है वहाँ से हम लोग आए पूरा इधर घूम के फिर इधर आए, और वहाँ पे अगर आपको दिख रहा है वेट लेट मी ज़ूम, जाइए जाइए, तो यहाँ पे वो सब जो बोटिंग और वो सब सी प्लेन होता है जो क्रूज शिप वो सब, तो वो यहाँ से होता है। खाली ऊपर न ले जाए, ऊपर न ऊपर न, हाँ तो गाइस फाइनली बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद मेरे को ये चश्मे मिल गए बंधन से, मेरे को इसने बहुत भगाया है, उसके पीछे भागो, मैंने एक बार पकड़ लिया था उसको बट वापस छोड़ दिया मैंने क्योंकि उसका शर्ट फटने वाला था, वापस भाग गया फ़ायदा उठा के, बट कोई नहीं फाइनली मेरे को ये चश्मे मिल गए तो अभी शायद मैं अच्छा दिख रहा हूँ, वैसे चश्मे के बिना भी मैं अच्छा ही दिखता हूँ, बट अभी फंसने ला गाइस ये फोटो नहीं खींचने दे रहा मेरे को, एड्रेस डाल लूंगा तेरा घर पे रेट आएगा सबकी, फिर वेलकम होम बेबी कस तो गाइस ये जगह है बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सी, मेरी शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है माँ, कौन सी शक्तियाँ माँ, थोड़ा ऊपर जी पकड़, ने इतने नखरे इसको, ये एंगल से पाड़ो, ये एंगल से खींचो, ये एंगल से, ये एंगल से, मॉडल बन जा भाई मॉडल, भाई सन वहाँ है इधर से फोटो खींचेगा तो अंधेरा जाएगा ना, तो मानते नहीं यू डोंट हैव एनी नॉलेज, गजब बेइज्जती है, लेट मी एक्सप्लेन हिंदी गाइस, हिंदी सॉरी गाइस सॉरी आई कांट टॉक, आई एम डूइंग हॉट गर्ल शिट, ही इज ऑन हॉट गर्ल बेबी गाइस, देख रहे हो इसके लक्षण, लक्षण को ठीक नहीं लग रहे बेटा तुम्हारे हैं, बहुत बहुत अकेलापन जिंदगी में ये विजिबल है तुम्हारा, अभी कोई लाना पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में लगता है, अरे भाई इनको आदत है जो तारू मॉडल कंप्लीट नहीं देखा तू, अरे मैं ये कहूं छू ना भाई, तो पहाड़ियों तो खरी तारो है वो जो छे तारे, तारू तो बोल रहा है कि अंधेरा आ रहा है, आ नाटी अंधेरा आ रहा है, देखो गाइस इसकी लड़ खड़ाती हुई हिंदी सुनो, अपन यूं नहीं यहां भी जो उबो रे बीजा आता है, फोटोग्राफर की बारी है फोटो खिंचाने की, वैसे इसने बहुत बढ़िया फोटो खींचा हमारा, तो हमारा हमारा क्या बोलते हैं उसको, हमारा फर्ज बनता है कि इसके भी अच्छे फोटोज आए, एक जो हम थोड़ा बस मंदार मंदार वन एडवाइस लुक एट हियर, पेट अंदर खींच ले खाली बस जस्ट किडिंग ब्रो, भाई लड़कियां फिदा है इस बार तो, भाई साहब आग बरस रही है, देखो भाई क्या बात है भाई, क्या बात है क्या बात है, दो तीन लड़के तो ऐसा ही घायल, इधर ही गिर जाएगी, इधर नीचे इधर ही गिर जाएगी अभी के अभी, ये देखो असली फोटोग्राफी इसको कहते हैं, मेरे ऐसे फोटोज नहीं खींचेगा ये, पता नहीं क्यों साला, हर बार मैं इसके साथ आता हूँ फिर भी यार इतनी बेइज्जती कैसे सह सकता हूँ, अभी इसको बोलता हूँ मैं थोड़ा मेरे अच्छे फोटोज खींचे यार, बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, अभी हम लोग ये देखो यहाँ पे नेहरू ब्रिज है, और ये हमारे दो नौजवान लौंडे खूबसूरत हैंडसम हल्क, खत्म टाटा बाय बाय गुड बाय गया तो गाइस हम लोग ने सब कुछ कर दिया, फोटो वोटोज क्लिक कर लिए, वीडियोस ले लिए, थोड़े दिनों में आ जाएंगे, और पहली बार मैं रील्स बनाने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, तो
देखते हैं, मैं वंदन के पास ही बनाऊंगा शायद, वंदन मेरे को बना के देगा या फिर मैं खुद अपने आप बनाऊंगा, डोंट नो क्या होगा। बट मेरे को वैसे पर्सनली रील्स पसंद नहीं है, पर ये बोल रहा है वंदन डालते अच्छा लगता है तो ट्राई करेंगे इस बार कैसी बनती है क्या होता है। तो अभी बस हम लोग का यूट्यूब शॉर्ट्स में भी रख सकता है, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी इसको तू रख सकता है, तो उधर भी तेरे को ज़्यादा रीच मिलेगी तेरे चैनल के लिए। बस ज़्यादा ज्ञान मत बात, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग, अभी हमारी कार बहुत 500-600 मीटर चल के जाना है हमारी कार के वहाँ जहाँ हमने पार्क की है, और आओ नजीक आओ नजीक आओ। तो अभी बस हमारा सब फोटो सेशन और घूमना फिरना हो गया है, अभी हम पहले प्लान था मोटेरा स्टेडियम विजिट करने का, बट फिर ये हमारा ड्राइवर जो मना कर रहा है पता नहीं क्यों। तो भाई गाड़ी इसकी है, हम तो बस ऐसे ही है, काम इसका है तो हम जो बोलेगा वो हम करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी तो पर्सनल एक इच्छा थी कि हम लोग मोटर स्टेडियम जाएंगे, बट कोई ना, तो अभी हम लोग जाएंगे होटल पे लंच करने कहीं पे। एक ही बजे है तो चलते हैं मोटेरा। चला लेट्स गो बेबीज, मोटेरा इज ऑन। ये व्लॉग अच्छा बनेगा मेरे को ऐसा लगता है, अंदर से फीलिंग आ रही है, इस बार मेहनत की है लगता है मैंने, बहुत ये व्लॉग के पीछे मेहनत की है, मैंने की है मेहनत, पर ये बोलने की जरूरत नहीं थी, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। पाकू जा रहा है अपना। तो गाइस हमारे ड्राइवर साहब मान चुके हैं मोटेरा स्टेडियम जाने के लिए, तो आपको भी आके मोटेरा स्टेडियम भी देखने को मिलेगा। और हम सब मास्क में इसलिए क्योंकि हम लोग रोड पे चल रहे हैं, पुलिस आके हमको पकड़ लेगी। हम लोग अभी अहमदाबाद में, हमें बड़ोड़ा में है नहीं, अपने घर पे पुलिस पकड़ और पैसे लिए भी ना जाती नहीं, इसलिए इससे अच्छा सेफ्टी फर्स्ट, पैसे पहले। तो बस अभी फटाफट मोटेरा स्टेडियम विजिट करेंगे और उसके बाद लंच करके घर पे, तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो चलते हैं मोटेरा स्टेडियम। फाइनली वी फाउंड मिर्जापुर, वेयर इज गुड्डू पंडित बबलू पंडित, वेलकम टू मिर्जापुर, आइए यहाँ कट्टों का व्यापार होता है। ये देखो गाइस मिर्जापुर, मजाक नहीं चल रहा है देखो। और ये मुन्ना भैया का जो राइट हैंड था ना छुटका, वो है वो। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए मोटेरा स्टेडियम, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, और लोग वॉशरूम ढूंढने गए क्योंकि बहुत तेज से आई है, नेचुरल कॉल है, कुछ कर नहीं सकते, तो बाद में अंदर जाएंगे। ब्लॉग में बोलता है लू ब्लॉगर है सभी जो रियलिटी है मैं शेयर करता हूँ, उसमें क्या गलत चीज है क्या बताओ मेरे को, इतना भी रियलिस्टिक नहीं बन जा मेरे भाई। तेरी रियलिटी शेयर नहीं है कि मैंने पता चला तेरी रियलिटी शेयर नहीं की मैंने, सबको पता नहीं तू कौन है, पता चला। सॉरी सॉरी गाइस, उड़ता तीर, माय अपोलॉजी, उड़ता तीर ले लिया। गाइस गूगल मैप ने हमारे साथ स्कैम कर दिया है, हम लोग आए थे नया वाला मोटेरा स्टेडियम देखने, पर हम लोग पहुंच गए पुराने वाले मोटेरा पे। हम लोग ने सोचा यार ऐसा कौन सा मैच चल रहा है कि नए मोटेरा स्टेडियम पे खेलने को दे रहे हैं लोग, बट इधर अंदर जाके देखा तो पुराना वाला ही था। तो अभी वापस गूगल में डालेंगे या फिर किसी से पूछेंगे कि नया वाला मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है। हाँ रुको, ये अंकल को पूछते हैं, अंकल को पूछते हैं। होप हम लोग नया वाला मोटर स्टेडियम ढूंढेंगे और उधर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। अभी डिसाइड कर लिया है तो उधर विजिट करेंगे ही करेंगे 110%। या राइट गाइस, या बेबी 100%, आई एम नॉट योर बेबी बाय द वे, दैट्स व्हाट आई लाइक, लेट्स गो। पहले हम लोग ढूंढ ले नया वाला मोटर स्टेडियम कहाँ पे, फिर आपको बता दें, जरा मैप चालू करना पड़ेगा। गाइज ये कुछ ऐसा बाहर से दिखता है स्टेडियम, हमको अंदर जाना मना है। हाँ तो अंदर कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो वीडियो ले रहा हूँ। हम लोग पहले तो गए थे पुराने वाले मोटेरा स्टेडियम पे, तो उधर तो हमारा सीन हो गया, पहले हम लोग को लगा वही है जो है वो मोटेरा स्टेडियम, बट बाद में 10 किलोमीटर आगे था तो वहां पहुंचे, तो मेरे को अंदर से पहले था कि मतलब इतना बड़ा स्टेडियम है अभी अभी डेवलप हुआ है तो वैसे ही अंदर तो घुसने नहीं देंगे, बट फिर भी हमने ट्राई किया कि अगर अंदर जाने को मिल जाए और थोड़ा कुछ कैप्चर करने को मिल जाए तो सही होगा, बट जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, हमको अंदर जाने के लिए मना कर दिया, तो मैंने थोड़ा सा बाहर से क्लिप निकाल लिया है जो बाहर से कैसा दिखता है। तो यही है, अभी बस हम लोग वापस रिटर्न जा रहे हैं और किसी में भी एनर्जी नहीं है, ये बस गाड़ी चला रहा है और पीछे ये देखो ये बंदा पूरा लेट पीछे ये। तो और ये जो बंदा है हमारा जो ब्लॉग कर रहा है ना, उसको नेविगेशन करना आता नहीं, तो आप इसको नेविगेशन कभी ना दीजिए, इसने हमको ना एक्सप्रेस वे पे लिया है ना हाईवे पे, ये हमको स्टेट हाईवे पे ले जा रहा है, क्या करे इसका।
मैंने सर्च मारा पहले नेशनल हाईवे तो दिखा रहा था नेशनल हाईवे पर जो रोड पे हम लोग को टर्न लेना था वो रोड पे पहुंचे हम लोग, वहीं से टर्न लिया तो आगे जाके फिर ये रोड पे हम लोग लेके आगे, पता नहीं है कौन सा रोड है, पर जो भी अच्छा है, खड्डे वड्डे नहीं, एकदम स्मूथ रोड है, भले हम लोग ना हाईवे पे है ना एक्सप्रेस वे पे, कौन से भी रोड पे जा रहे हैं हम लोग वडोदरा पहुंच जाएंगे। तो बस अभी हम लोग निकल चुके अहमदाबाद से और कोई एनर्जी नहीं है जर्रा सा भी, तो पहले तो खाने का प्रबंध करना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके, अभी कुछ खाया नहीं है, सुबह नाश्ता भी कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक बार चाय ही पी थी हम लोग। बीच में बोलता रहता है, बोल रहा होता है। तो बस अभी हम लोग होटल पे लंच के लिए रुकेंगे, अच्छा सा कुछ खाना खाएंगे क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो पुलिस करो जल्दी जल्दी जल्दी, ये पुलिस थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी कुएं था।